हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अजयनेमा में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपको ऐसी बहुत सी वीडियो बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप अपने जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ सर्च कीजिए थंबनेल मेकर। थंबनेल मेकर फॉर YouTube यहाँ पे लिखा आएगा, तो आप सेकंड नंबर वाला डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको डाउनलोड पहले से कर रखा, तो मैं अब इसे ओपन कर लूँगा। और आपको ये मैं इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट गूगल प्ले पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खुल जाएगा, आपको इस पर क्रिएट थंबनेल पर क्लिक करना है। आपको कौन से रेशियो में चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए। मुझे चाहिए 16:9, मैंने उस पर क्लिक किया। तो देखिए अब मैं ये वाला थंबनेल चूज़ करूँगा। ये वाला मैंने चूज़ किया, टिक का ऑप्शन रहेगा आपके राइट हैंड साइड पे, आप उस पर क्लिक कीजिए और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा हो जाता है, मैंने टिक पे दबाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा स्टिकर टेक्स्ट स्टिकर इमेज इफेक्ट बैकग्राउंड का ऑप्शन रहेगा, मैं स्टिकर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्टिकर्स आ जाएंगे। मुझे चाहिए ये वाला सब्सक्राइब नाउ सब्सक्राइब, तो आप इस पर ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे डाउनलोड हो गया, मैंने इस पर क्लिक किया। आपको जितने भी साइज में चाहिए अपना कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, मैंने इसको ऐसे उठा के साइड में रख दूँगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कंट्रोल। अब आप यहाँ पे देखिए कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं थोड़ा और फिर इसको पूरी कर सकते हैं। अब मैं जाऊँगा फिर से स्टिकर पर और फिर सब्सक्राइब वाले उस ऑप्शन पर ऊपर लिखा रहेगा सी मोर, सी मोर पर जाइए आप। आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, मुझे चाहिए बेल आइकन का और लाइक का, तो मैं लाइक का ऑप्शन इसको छोटा करूँगा, छोटा करके इसको यहाँ पे साइड में लगा दूँगा और फिर इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा। तो देखिए हमारा थंबनेल बन जाएगा। अब आप यहाँ पे अपनी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे अभी नहीं करना है। मैं अभी यहाँ पे इफेक्ट पे जाऊँगा, इफेक्ट्री पे ये देखिए बैकग्राउंड बहुत सारे मिल सकते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड ये सबसे अच्छा लग रहा है, मैंने इसे चूज़ कर लिया। वापस इसे डाउनलोड पे दबा दीजिए। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप ये डायरेक्ट गैलरी में पहुंच जाएगा। देखिए ये हमारा गैलरी में आ चुका है। और अब आपको इसको अपनी वीडियो में ऐड करना है, तो मैंने आपको इसकी पहली वाली वीडियो में बताया था काइन मास्टर से आप अपनी वीडियो में ये ऐड कैसे करें, तो मैं उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूंगा मैं आपको उस वीडियो की, तो आप उससे देख सकते हैं। और आपकी आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा।